स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है डी ट्रेवल। तो आज मैं जा रहा हूँ हरिद्वार, फिर उसके बाद जाऊँगा मसूरी, क्योंकि मेरी छोटी वाली बच्ची का भी उसका मुंडन है, इसलिए उसका मुंडन भी कराना है। और साथ साथ में एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए खास स्पेशल, तो इसलिए हरिद्वार का वैसे सबको मेन बेसिक पता होता है, लेकिन इस टाइम पे मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा मसूरी के बारे में कि वहाँ पे क्या कौन सस्ते आपको कौन से सस्ते होटल्स या मिल सकते हैं, और वहाँ पे जाने की फैसिलिटीज़ कैसे है। तो कोई वीडियो को बीच में स्किप ना करे और मेरे साथ बने रहे और देखते रहे डी ट्रैवलर। अब आगे की बात आप पे स्टेशन के बाद होगी। थैंक यू। तो हम फाइनली घर से निकल चुके हैं, तो बहुत मैं एक्साइटेड हूँ। मेरे पति मुझे घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं। देखो हमारे साथ कौन कौन है। हम लोग निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन आ चुके हैं और टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं। अभी तो टाइम रहता है भाई ट्रेन आने में 1.5 घंटा, तो यही टाइम पास होता है। जैसे जैसे ट्रेन में चढ़ते हैं फिर आपसे बात करती है, और आप यहाँ पे आराम से कैब से आ सकते हो, कैब में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम अंदर चलते हैं। स्टेशन पे हो चुकी है, घूम फिर रही है। ये बेचारे वॉशरूम चेक कर रहे सबसे पहले कि बाथरूम किधर है। यो यो उसको भी देख लो, वो कहाँ है, कहाँ है, वो कहाँ है। एक ये छोटा सा मोंकू, ओए ओए खांची आ गई ऐसे। तो कैमरा मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है, तो एक मिनट लाइट में आ जाते। तो कैमरा मेरे को बड़ी मुश्किल से मिला है, तो मेरे पति फाइनली मुझे घुमाने लेके जा रहे हैं। ये देखो मेरे को फाइनली घुमाने लेके जा रहे हैं। हाँ, और एनिवर्सरी पे मैं जाऊंगी शिरडी अपनी। यो देखते दुखते कुछ नहीं है, लेके जाना भाई। चलो जब तक मैं वॉशरूम ढूंढ लेती हूँ आपसे बाद में बात करते हैं। तो फाइनली हम हरिद्वार के पास पहुँच गए, बस अगला स्टेशन हरिद्वार है। तो हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा ट्रेन में, हमें ठंड भी बहुत लगी बाकी, बट हमारा सफ़र बहुत सही रहा ट्रेन में। बट हमें सोने को नहीं मिला, मुझे और हेली को सोने को नहीं मिला, बाकी सब आराम से सोए। बस नेक्स्ट स्टेशन हरिद्वार है, तो हरिद्वार पहुँच के आप लोगों से बात करते हैं। बाकी जब तक आप हमारे साथ बने रहिए, पूरा इस ब्लॉग को एंड तक देखना। बस बहुत सर्दी है यहाँ पे, जो भी अगर कोई अपने बच्चों को लेकर आए तो सेफ्टी ध्यान रखकर लेकर आए, कि ग्लव्स टोपी वोपी जैकेट वगैरह सब साथ में लेकर आए। बहुत ठंड है यहाँ पे, बच्चों के लिए घास का ज़्यादा ठंड है, बड़े तो सहन कर जाते, बच्चे नहीं कर पाते। चलो बने रहो आप, मज़ा। आप देख सकते इन शक को, ये बहुत जिद्दी है और बहुत रोतड़ू है। अभी रोके दिखाएंगे ये आपको, लवे रोके दिखाओ, लवे रोके दिखाओ। वो देखो उसको देख लो जरा, वो भी उठ गया। ये दोनों बहुत रोतड़े हैं, पर दोनों ने नींद अपनी पूरी करी, हम दोनों को ने सोने दिए रोतड़ों ने। धूप देखो कितनी अच्छी निकली हुई है, आंखों में लग रही है, बट देखा भी नहीं आ रहा कुछ। बस जल्दी से हरिद्वार पहुँचे। आपका क्या कहना है, कैसा लग रहा है आपको हरिद्वार आके? अच्छा, दूसरी बार लाओगे तो अच्छा ही लगेगा, साल में एक बार। शुक्रिया लिया है आपको। क्या शुक्रिया लिया है आपको? मैं आपको आने देती दोस्तों के साथ, बिल्कुल भी नहीं आने देती। धूप लग रही है इसलिए मेरी आंखें नहीं खुल रही, मैं बिल्कुल भी नहीं आने देती। तो हम लोग अभी हरिद्वार पहुँच चुके हैं, तो इसलिए अब सीधा धर्मशाला में जाएंगे। धर्मशाला पे ही होटल वोटर पे रेस्ट वेस्ट करने के बाद फिर आप लोगों से बातें करेंगे, सीधा जब फ्रेश होगी उठेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बन रहे हैं सर।
तो हम लोग सीधा जा रहे हैं रेस्ट वेस्ट करने के लिए, फिर आप लोगों से बातें बात होगी जहाँ तक पूरी पहुँचेंगे फिर बात होगी ना। फिर उसके बाद हमारा प्रोग्राम बनेगा मंसूरी का, फिर आप मंसूरी चला। जान दे तो बस आप सीधा होटल वोटल पे जाके आप रेस्ट वेस्ट करके फिर आप लोगों से हड़की घोड़े मिलेंगे नहाने धोने की बारी में, ठीक है? अभी तो नहाएंगे नहीं, उससे पहले नहाना ही नहीं है, सीधा वहीं जाएंगे, ठीक है? चलो आपसे बाद में मिलते हैं। पौड़ी पे नहाने के लिए नहा के फटाफट से हम यहाँ से तैयार त्यूर होके हम मनसा देवी की चढ़ा मनसा देवी जाएंगे। तो ये देखो पीछे हमारे गेस्ट आ रहे हैं, ये मेरी मासी है, वो पीछे आ रही है, वो मेरी मम्मी है, साथ में जा रही है लव्या, वो लव्या है। बस अभी हर की पौड़ी पहुँचे नहीं है, बस पहुँचने वाले, देखो आपको दिख ही रहा होगा पीछे, तो हम अभी रूम भी लेने वाले, पीछे अभी रूम भी ले लिया, इसकी मासी घर पर रुके पड़े थे, तो हम जाके हम रूम लेंगे, फिर यहाँ पे नहाने के लिए आएंगे, फिर खाएंगे पिएंगे सोएंगे और कल मसूरी जाएंगे। तो नहाने दो, नहाते टाइम मैं आपसे बात करते हैं, ठीक है? इधर फिर वही अपनी पुरानी धर्मशाला में पहुँच गए, दम्मू वाली धर्मशाला, तो अब तो हर की पड़ी के जाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। देखो मम्मी और दीदी आ रहे हैं, अंदर तो जाओ, मम्मी मैं भी आ रही हूँ, अरे पकड़ ना पापा, पकड़ कैमरे पे तो हाथ उठाओ, या तो वो होते नहीं, या तो यहीं के होते, फिर दिक्कत नहीं थी। दो दो घंटे तुम्हारे मार को बंद है बेटा, सुबह 5 बजे सवारी शुरू हो जाए। अच्छा 5 बजे से 10 बजे तक, 9 बजे तक जो रहते रात तक, सुबह दिन के। अच्छा ड्यूटी टाइम का। अच्छा अच्छा, फिर शाम को है 4 बजे के बाद। अच्छा फैक्ट्री में छुट्टी होती है। अच्छा हम लोग 2 चक्कर मार जाते हैं। हाँ हाँ 5 किलो लग जाए, 6 किलो लग जाए, 10 किलो लग जाए। अच्छा सारा दिन तेल का खर्चा तो आ गया, बाकी अपना बुकिंग वुकिंग है बच्चों की और बस बस बनाते जाने। तो बस हम हरकी पौड़ी से वापस आ चुके हैं, हमारे अब खाना पीने के लिए अब जाएंगे, तो इसलिए आज का सिर्फ यहीं तक का था, बाकी कल आपके मॉर्निंग
कल जब सूर्य का मुंडन होगा तो आपसे मिलते हैं फिर। तो आज की वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ज़्यादा और शेयर करना ज़्यादा वीडियो को, कोई पास की बात करना, और बने रहिए मेरे साथ कल का ब्लॉग देखने के लिए और आने वाले 4-5 दिन तक लगातार ब्लॉग्स आएंगे, तो कोई मिस मत करना, ज़्यादा शेयर करना वीडियोज़ को, और कोई भी ब्लॉग मिस ना हो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू, जय हिंद।